हेलो दोस्तों, मैं हूं पिकोन। मैं आपको स्वागत करती हूं मेरे हिंदी टेक यूट्यूब चैनल टॉक टेक्नो लाइव में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो यूट्यूब का फिल्टर ऑप्शन है वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा वीडियो बाहर में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर वीडियो शूट करता था वहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है। तो ये जो नेचर वाला बैकग्राउंड है वो आपको कैसा लगता है तो आप कमेंट में मुझको लिखना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है YouTube का फिल्टर बारे में। अगर आप एक चैनल सर्च करते हैं YouTube पे तो बहुत सारे चैनल आते हैं, उसके साथ वीडियो आते हैं। तो ये जो YouTube आपको फिल्टर ऑप्शन दिया है उसमें ये फीचर है कि अगर ये फिल्टर ऑप्शन जाकर आप चैनल को सिलेक्ट कर देते हो तो आपको सिर्फ चैनल ही शो करेगा, कोई वीडियो शो नहीं करेगा। अगर आप वीडियो सर्च करते हो तो आपको सिर्फ वीडियो ही शो करेगा और कोई भी शो नहीं करेगा। इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो फिल्टर ऑप्शन है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे और मेरे चैनल के लिए बहुत ही ज़रूरत है, जो मेरे को मोटिवेट कर सके मैं अच्छा से अच्छा वीडियो कर चैनल में अपलोड कर सकूँ और मेरे चैनल को भी ग्रो होने के लिए मदद कर सके। तो चलिए, मैं आपको वीडियो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आप इसको कैसे अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। तो चलिए, मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर, जहाँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपका YouTube जो फिल्टर ऑप्शन है वो आप कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो तो आपको वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हमको क्या करनी है, तो पहले हमको यूट्यूब पर क्लिक करनी है। यूट्यूब के एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पर देखिए मेरे YouTube का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। YouTube का एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। सर्च करने के बाद सपोज आपको एक चैनल या कोई भी चीज़ सर्च करना होगा, तो मेरे चैनल का नाम सर्च करता हूँ। मेरे चैनल जो है टॉक टेक्नो लाइन, आपने दिखा है कि मैं मेरा चैनल को अब सर्च कर चुका हूँ। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो सर्च का बटन है उस पर क्लिक करनी है। आपको सर्च करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सारे ये चैनल आया है, इसके बाद मेरा वीडियो है, उसके बाद एक चैनल, यहाँ पर एक वीडियो है। तो आपको क्या करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक माइक्रोफोन का साइन है, उसके बाजू में एक साइन है जहाँ पर 3 लाइन दिख रही है। तो आपको क्या करनी है, उसके ऊपर क्लिक करनी है। इसको ही हम बोलते हैं YouTube का जो फिल्टर ऑप्शन। तो आपको पहले इस पर क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दिखाया कि शॉर्ट बाय है, टाइप है, अपलोड डेट है, ड्यूरेशन है, बहुत सारे और ये फीचर्स है। आप लाइव वीडियो सर्च करते हो या 4K या HD जो भी वीडियो सर्च करते हो या चैनल सर्च करते हो। तो अब हम चैनल के लिए सर्च करें तो यहाँ पर जो है टाइप ऑल, ये जो नीचे वाला आरो है उसमें आप क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है वीडियो चैनल प्लेलिस्ट मूवी शो। तो हमको चैनल सर्च करनी है तो हम सिंपल सी चैनल पर क्लिक कर देते हैं। चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अप्लाई ऑप्शन, हमको अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सिर्फ चैनल ही आया है, तो हम इसको बोलते हैं फिल्टर ऑप्शन। अगर आपको चैनल सिलेक्ट करके अप्लाई कर देते हो तो आपको सिर्फ चैनल ही दिखाया जाता है। अगर आप यहाँ पर जाकर ये जो चैनल का ऑप्शन छोड़कर वीडियो सर्च करते हो तो आपको यहाँ वीडियो पर क्लिक कर देनी है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद फिर से अप्लाई पर क्लिक करनी है। अप्लाई करने के बाद यह इस चैनल का जितने भी सारे वीडियो है वो आपके सामने ले आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चैनल नहीं, सिर्फ वीडियोस आपके सामने है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका फिल्टर ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो ये एक सिंपल सी वे है, इसमें कोई दिक्कत में नहीं होगी आपको इसको चलाने में। तो अब हम चलते हैं हमारा होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारा होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आपका जो YouTube का फिल्टर ऑप्शन है वो आप कैसे यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने में आपको आसानी होगी कि अगर आप चैनल सर्च करते हो तो चैनल ही सिर्फ आएगा और आप वीडियो सर्च करते हो तो सिर्फ वीडियो आपके सामने आता है। तो इसको आप जब यूज़ करते हो तो आपको कोई भी चीज़ सर्च करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया YouTube के ये जो फिल्टर के ऑप्शन, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके
ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।